अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मालफ मुल्तान। तो मालफ मुल्तान जो है वो तकरीबन हमारे घर से 7 से 8 मिनट के फासले पे है। तो वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी मॉल, और पहुँच के फिर मैं आपको वहाँ का विज़िट कराती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए गाइज, हम तकरीबन मॉल पहुँचने वाले हैं, और ये आ गया है मॉल ऑफ मुल्तान। और आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन हम 5 मिनट में ही पहुँचे, और यह बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक है। जब मैं बोर हो रही होती हूँ तो फिर मैं हम लोग इधर आ जाते हैं। तो बहुत सी फैमिलीज़ भी आई हुई होती हैं यहाँ पे, तो मोस्टली ये शॉपिंग करनी होती है तो वो भी ये मतलब मोस्टली ब्रांड्स हैं यहाँ पे। शॉपिंग ना भी करनी हो तो ऊपर लास्ट में एंड पे ना फूड एरिया, आप कुछ भी मतलब आपने खाना हो लाइक आइसक्रीम खाना, KFC समथिंग, मैकडोनल्ड्स, सारे ब्रांड्स हैं ऊपर, तो फूड एरिया ऊपर लास्ट में। उसके बाद जी ये इंट्री हो गया, और ये चेक कर रही थी बैग, तो बैग इन्होंने चेक कर लिया। उसके बाद मैं अंदर इंटर हुई, तो अंदर इंटर होने के बाद आप देख सकते हैं बहुत से लोग आए हुए थे, बहुत सी फैमिलीज़ आई हुई हैं, और लोग जो है भी खुद बोर होते हैं, जाहिर है सारा दिन की थकावट काम, और रात के टाइम जो है सब इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए आते हैं। और उसके बाद जो बाकी फैमिलीज़ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थी, तो मैं भी यहाँ पे रुकी हुई थी क्योंकि मैं भी भाई का वेट कर रही थी, वो आएगा तो बाइक बाइक ठहराने गया हुआ था पार्किंग में, तो वो आता तो फिर मैं ही उसके साथ ही मैंने ऊपर जाना था। ये देखिए ब्रांड्स यहाँ पे बहुत से ब्रांड्स हैं, नीचे मोस्टली मेल ब्रांड्स हैं और फीमेल ब्रांड्स जो हैं वो ऊपर हैं, बट नीचे भी है फीमेल ब्रांड, नीचे भी है डाइनर्स, बहुत अच्छा ब्रांड है, तो मैं आपको इसका विज़िट कराती हूँ। यहाँ बहुत बहुत आउट क्लास है, अच्छी मतलब रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे ड्रेसेस मिल जाते हैं। तो ये देखिए आगे भी बहुत से ब्रांड्स हैं आप देख सकते हैं, और उसके बाद जो है वो मतलब ड्रेसेस भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये देखिए यहाँ पे जी ये फर्नीचर की एक एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, और अलमास ब्रांड भी है यहाँ पे। उसके बाद तो जिस डाइनर्स ब्रांड की मैं आपसे बात करी थी, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ था, फ्लैट प्राइसेस लगी हुई थी, और बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। जो ये ब्लैक ड्रेस है ना, ये मुझे पसंद आया, लेकिन मैं ब्लैक नहीं लिया क्योंकि मोस्टली मैं ब्लैक बहुत से ले चुकी हूँ, तो मुझे मेरी मम्मी कहती हैं कि इतने सारे ब्लैक कपड़े तुमने क्या करने हैं, तो इसलिए ये दुपट्टा भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो वो मुझे सिर्फ ब्लैक ड्रेस ही पसंद आया, वही मुझे अट्रैक्ट किया। तो उन्होंने मुझे और भी बहुत से ड्रेसेस दिखाए, ये ऑफ पे भी थे और बहुत आउट क्लास और रीज़नेबल प्राइसेस में थे। उसके बाद आप देख सकते हैं, और फिर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे जी बोर्ड जान है, उसके बाद बोर्ड जान के बिल्कुल साथ जो है वो ईडन ड्रॉप ब्रांड है। बोर्ड जान में शूज़, स्टॉलर, हर तरह के बैग्स आपको इजीली आप परचेज़ कर सकते हैं, इजीली आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ये देखिए ये मसाज हो रहा है जी, और मेरा जो फेवरेट ब्रांड है वो लाइम लाइट है, और कैजुअली यूज़ के लिए मैं लाइम लाइट ही प्रेफर करती हूँ। जो घर में अगर हमने कपड़े पहनने हैं इजी स्टफ़ है, उसके बाद जो है मतलब बिल्कुल ख़राब होने वाला स्टफ़ नहीं है, कलर्स बिल्कुल डिम नहीं होते, तो वो जो है वो लाइम लाइट ही है। आप कैजुअली यूज़ के लिए लाइम लाइट को ही प्रेफर करें। आप ये ड्रेस देखें, इन्होंने बहुत कलर कॉम्बिनेशन बहुत आउट क्लास है, मेरून सा और ग्रीन और गोल्डन सा ना, बहुत प्यारा है। बट जो मुझे जो अच्छा लगा यहाँ पे वो ड्रेस जो है वो ग्रे और ऑरेंज कलर में है। मैं ये देखें आपको दिखा देती हूँ, देखिए ग्रे और ऑरेंज का जो है ना, ये थोड़ा डिसेंट सा कलर है, प्यारा लग रहा था। बाकी भी कलरफुल ड्रेसेस हैं यहाँ, लाइम लाइट के कपड़े अच्छे होते हैं, विज़िट किया करें आप, मैं भी देखती होती हूँ। उसके बाद ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं यहाँ पे। अगर आपने कैजुअली यूज़ के लिए लेने हैं, घर के यूज़ के लिए लेने हैं, या स्टाइलिश से लेने हैं, तो आप लाइम लाइट ज़रूर यूज़ कीजिएगा, कलर्स भी ख़राब नहीं होते और स्टफ़ भी बहुत ज़बरदस्त होता है, और स्टाइल भी बहुत आउट क्लास होता है, फ्रंट और बैक पे प्रिंट होता है। जो मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड, मेरे 3 फेवरेट ब्रांड हैं, उसके बाद जो मेरा दूसरा फेवरेट ब्रांड है वो एथनिक है। अगर किसी फंक्शन पे ईद के लिए ड्रेस लेना हो तो एथनिक को मैं प्रेफर करती हूँ। एथनिक बहुत आउट क्लास ब्रांड है, बहुत आउट क्लास एम्ब्रॉयडरी होती है, बहुत ही मतलब नफीस जिस तरह नफीस काम होता है ना, उस तरह का ब्रांड है ये। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है बट स्टाइलिश कपड़े होते हैं। ये देखिए ये बहुत ही स्टाइलिश से होते हैं, मतलब आपको पहन के बिल्कुल ओवर सा फील नहीं हो रहा होता, तो मुझे तो ये बहुत, मुझे मेरा फेवरेट ब्रांड है एथनिक।
अच्छा, लेकिन ये मेरा सेकंड नंबर पे फेवरेट ब्रांड है जो लाइम लाइट है, वो थर्ड वो मैं कैजुअली यूज़ करती हूँ। ये मैं ईद या कोई फंक्शन हो, जैसे कोई पार्टी वगैरह हो, तो उसमें मैं ये इस यहाँ से कपड़े लेके, तो मैं यहाँ की एथनिक जो है वो बहुत आउट क्लास ब्रांड है। ये देखिए, ये आप ड्रेसेस देख रहे हैं इनके, इनके बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन बहुत आउट क्लास है, कंट्रास्ट बहुत प्यारी है इनकी। और जितने भी ये 30% ऑफ पे थे, बट अच्छे स्टाइलिश कपड़े थे। कपड़े आप देख रहे हैं, देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो वाइट और ये पिंक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत प्यारा है। उसके बाद ये, उसके बाद दूसरा जो, ये देखिए आप इनकी कंट्रास्ट देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है एथनिक। और ये था सिल्क स्टफ में ड्रेस था, मतलब एक गाउन टाइप सा बना हुआ था, फ्रॉक टाइप, नॉर्मल प्राइस में था, 6000 में था ओनली ये। और ये बाकी जो स्टिचेस स्ट्रीट ड्रेस में, और एक मुझे ब्लैक नज़र आया है वो मैं आपको दिखाती हूँ, कुर्ता टाइप है और बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाजू पे भी बहुत प्यारा काम हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है, तो ये देखिए आप, ये रेड आपको मैं शर्ट दिखाती हूँ, कुर्ती टाइप है। ये देखिए इसके बिल्कुल, ये देखिए साइडों पे स्टाइलिश सी है बिल्कुल, कोई वो काम ज़्यादा भी नहीं है, बट बहुत स्टाइलिश है वो भी। उसके बाद देखिए, फिर हम सेकंड फ्लोर पे जाने लगे हैं, और सेकंड फ्लोर के जो ब्रांड्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मोस्टली बच्चों के ब्रांड्स हैं, वैसे ब्रेकआउट भी है यहाँ पे। उसके बाद जो है वो बच्चों के भी ब्रांड्स हैं यहाँ पे, बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे, यानी कि जो सेकंड फ्लोर है उस पर, ये देख सकते हैं आप, किसी पे 50% ऑफ है, किसी पे 30% ऑफ है, अप टू 30%, अप टू 50%, अप टू 70% भी है। तो आप आएँ, विज़िट करें, शॉपिंग करें, और बच्चों को ले आएँ, बच्चों की शॉपिंग करें। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी कि मेरा जो, मुझे सबसे ज़्यादा मेरा जो फेवरेट, मोस्ट फेवरेट जो ब्रांड है वो रंगजा है, जो मुझे फ़र्स्ट में ही पसंद है, मतलब कि फ़र्स्ट जो मेरा फेवरेट ब्रांड है वो ये रंगजा है। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने बना ली वीडियो थोड़ी सी, बट बाद में मुझे बना लिया, तो बाद में जो है मुझे उन्होंने कहा कि वीडियो आप नहीं बना सकते, लेकिन मैंने वीडियो जो है वो पाउच के बैक साइड में मोबाइल रख के ना मैंने वीडियो बना ली। ये बहुत प्यारा ब्रांड है, बहुत आउट क्लास, बहुत कलरफुल है, आप विज़िट करें, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है ये। आप देख सकते हैं कितने कलर कॉम्बिनेशन हैं। अब मैं जा रही हूँ वापस रंगजा से वापस। उसके बाद ये देखिए एक और ब्रांड है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे कलरफुल स्टाइलिश कपड़े थे, ये भी ऑफ, यहाँ पे भी ऑफ थी। फिर ये देखिए, मिनी माइनर भी है, ब्रेकआउट भी है यहाँ पे। और मैंने आपको जैसे बताया कि सेकंड फ्लोर पे ये वाले ब्रांड्स हैं, बच्चों के कपड़े देखिए। अच्छा, ये $1 शॉप है यहाँ पे। आपको $1 की प्राइस में आपको हर चीज़ मिल सकती है, मतलब ज्वेलरी से लेकर छोटी से बड़ी चीज़, ग्लासेस, मतलब वॉचेस, यानी ईच एंड एवरीथिंग, आपको कुछ भी चाहिए हो तो आपको मिल जाएगी। ये ज्वेलरी आप देख सकते हैं, इयररिंग्स, रिंग्स, उसके बाद जो है वो बैंगल्स, उसके बाद ग्लासेस, आपको हर चीज़ यहाँ से इजीली आप अवेल कर सकते हैं, और ओनली $1 में, ठीक है, इसकी ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है। और बहुत प्यारे ब्रेसलेट्स हैं, ये देखें आप, रिंग्स अच्छी हैं, आप विज़िट करें, बहुत आउट क्लास चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, इंजॉय भी करेंगे, और शॉपिंग नहीं भी करनी तो विंडो शॉपिंग करने के लिए आ जाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़बरदस्त। लेकिन जो है शरियार मेरे साथ था, तो उसने कहा कि मुझे हम ग्लासेस ले लेते हैं, तो उसको एक ग्लासेस पसंद आए अपने लिए, उसने एक अपने लिए ग्लासेस पसंद किए, तो उसने मुझे कहा आप भी लें, तो एक ग्लासेस शरियार ने मुझे भी निकाल के दी, कहा कि आप ये लगा के देखो, तो हमने लगा, बट वो ग्लासेस मैंने ली नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और फेस का जो था वो थोड़ा स्लिम था। अच्छा, ये जो है वो लेडीज़, मतलब वो एक पोर्शन बना हुआ था जहाँ पे आपको लेडीज़ की हर चीज़ अवेलेबल है। चलें जी, अब हम लोग जा रहे हैं जी $2 शॉप में। ये $2 शॉप है, ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ $2 की मिलेगी आपको, मिलती है, मतलब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बच्चों के टॉयज़, और उसके बाद क्रॉकरी की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मतलब आपको अगर पिज़्ज़ा बनाने के लिए प्लेट्स चाहिए होती हैं, कुछ भी डिश चाहिए या कुछ भी, तो आपको यहाँ से ईज़िली मिल सकती हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छी हैं, वो तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, मतलब आप क्या चीज़ लाइक कर रहे हैं या क्या चीज़। आप ये देख सकते हैं बॉटल्स यहाँ पे रखी हुई हैं, तो बच्चों का बहुत सारा सामान है, टिशू बॉक्सेस हैं। उसके बाद ये देखिए, अच्छी भी चीज़ें थी, मतलब डिसेंट सी भी थी, प्यारी भी हैं, आप विज़िट करें।
इंजॉय करें, जाके लें, शॉपिंग करें, इधर उधर जाने से बेहतर है कि एक ही जगह जाके। तो अब उसके बाद जो है ये एक और ब्रांड है जो कि है तंजीला हुसैन खान, ये ब्रांड है। उसके बाद दूसरा ब्रांड ये है स्वीट 16, ये भी अच्छा ब्रांड है। या उसके बाद जो ये दूसरी साइड है, यहाँ पे प्ले एरिया बच्चों के लिए आपको कार्ड लेना होता है, कार्ड आई थिंक 200 प्लस का है, वो आप कार्ड लेंगे उसके बाद ही आप 4 पर्सन एंट्री कर सकते हैं। तो ये प्ले एरिया, क्योंकि हमारे साथ बच्चे नहीं थे तो हम प्ले एरिया में नहीं गए। इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट आपको विज़िट कराऊंगी प्ले एरिया का भी, और यहाँ भूत बंगला भी है प्ले एरिया के अंदर, वो भी उसका भी मैं आपको विज़िट कराऊंगी। तो जो है वो अच्छा है प्ले एरिया, बच्चे इंजॉय करने आते हैं फैमिलीज़ के साथ। ये देखें छोटे छोटे बच्चे जो है, इन्होंने गाड़ियाँ जो है गाड़ी में जी गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, ड्राइविंग की जा रही है। और ये देखें इतनी क्यूट सी बच्ची है ये, माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्ची है ये देखें। उसके बाद जी हम चले गए जी लास्ट फ्लोर पे जो कि फूड एरिया था, जिसका मैं आपको जिक्र कर रही थी। आज यहाँ पे रश बहुत कम है, बट पहले रश इतना ज़्यादा होता है कि बैठने की जगह नहीं मिलती। तो अब जो हम मेरा फेवरेट जो मतलब मुझे जो पसंद है खाने में, वो मुझे एक ही ब्रांड है, वो है चाचा पीर। उसकी प्लेटर बहुत टेस्टी होता है, लेकिन वो क्लोज था आज, क्लोज है। उसकी रीज़न ये है कोई उन्होंने कोई रेंट चार्जेस पे नहीं किए थे। तो मतलब बाकी फ़ास्ट फूड है यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स, KFC, मतलब पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा मैक्स। तो ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि चाचा पीरू जो है वो आज क्लोज था। और वैसे जो लोग फ़ास्ट फूड नहीं खाना चाह रहे थे, खाना खाना चाह रहे होते, तो मैं तो यहाँ से ही मोस्टली, मुझे पसंद था ये तो मैं यहाँ से ही खा लेती हूँ, लेकिन जो है वो आज क्लोज था। उसके बाद मैंने सोचा कि चले मैकडोनल्ड्स विज़िट कर लेते हैं। पिज़्ज़ा मैक्स भी ट्राई किया हुआ था, OPTP भी ट्राई किया हुआ था। मैकडोनल्ड्स में जो है 2 पर्सन के लिए डील नहीं थी, 1 पर्सन के लिए थी। और जो डील मुझे जो मुझे पसंद आई, जो मुझे मतलब लगा कि मुझे लेना चाहिए, बट वो जो है वो उसमें वो डील्स में वो चीज़ें नहीं थी। तो उसके बाद ये मैकडोनल्ड भी विज़िट कर लिया मैंने, फैमिलीज़ भी बहुत सी आई हुई थी, इंजॉय कर रही थी। तो ये आप देख सकते हैं, आप भी आएँ, थोड़ा सा मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है और बंदा इजीली जो है वो घर से निकल तो नहीं सकता, बिजी हो, घर के काम ही इतने होते हैं, बिजी होता है। लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 2 पर्सन के लिए। उसके बाद ये जी आइसक्रीम स्टॉल लगे हुए हैं। उसके बाद जी फिर फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग KFC खाएंगे। KFC भी मेरा फेवरेट है, लेकिन ये मैंने कल भी खाया था, तो आज मेरा इतना मूड तो नहीं है। लेकिन आज मैं जो है ना, वो जो ड्यू बॉक्स है ना इनका, उसका माइंड है कि मैं वो खा लूँगी, क्योंकि मुझे ब्रोस्ट जो है वो KFC का ही पसंद है। मैंने उसका भी ट्राई किया था, अलबैक का आया था मदीना से, और मतलब मैंने ट्राई सब किए हैं, बट मुझे पसंद KFC का है। उसके बाद मैंने जो किया है वो ऑर्डर वो किया है मैंने ड्यू बॉक्स, जो क्रिस्पी ड्यू बॉक्स, जिसमें 5 पीसेस ब्रोस्ट के होते हैं और एक जो है फ्राइज़ होते हैं, और साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो उसके चार्जेस हैं 1050। तो जी ये देखिए, उसके बाद जो है हम मतलब 7 मिनट का वेट करना होता है। उसके बाद जो है अब हम वेट करेंगे 7 मिनट, उसके बाद जो है उसके बाद ये बिल देते हैं, ये वापस देना होता है, उसके बाद ही हमें मिल जाता है। KFC खाने के बाद फ्री हो के हम लोग वापस जा रहे हैं घर की तरफ। तो अब जो है हम लोग वापस जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम लोग जो है अल्लाह ताला के बहुत एहसान है, अल्लाह ताला ने दिया है तो अल्लाह ताला दे भी रहे हैं, अल्लाह ताला सबको दें। तो आप लोग भी इंजॉय करें, और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैंने आपको आज मॉल विज़िट कराया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, अच्छे अच्छे दुआ भी किया करें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह, नए व्लॉग के साथ और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।